इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। राजनीति में ऐसे मौके कम ही देखे जाते हैं जब पक्ष विपक्ष के नेता एक मंच पर एक साथ बैठ शहर को कोई सौगात दे, और ऐसा ही एक नजारा शुक्रवार को अजमेर में देखने को मिला जब अजमेर उत्तर विधानसभा के शास्त्री नगर में नगर वन उद्यान का लोकार्पण वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने किया, और इसी लोकार्पण के साथ विधायक वासुदेव देवनानी का सपना भी साकार हो गया। देवनानी चाहते थे कि उनकी सरकार के दौरान ही इसकी शुरुआत हो जाए, लेकिन ऐसा चुनावी आचार संहिता के चलते संभव नहीं हो पाया था। हालांकि नगर वन उद्यान की जो नींव है वो भाजपा सरकार के समय वर्ष 2017 में लगभग 2 करोड़ की लागत से रखी गई थी। ये नगर वन उद्यान विगत 10 माह से बनकर तैयार भी था, लेकिन नेताजी द्वारा बिना लोकार्पण के हमारे यहाँ वैसे भी आमजन को कहाँ कुछ मिलता है। खैर, अजमेर में यह नगर वन उद्यान 75 हेक्टेयर वनखंड में शहर के बीच लोहागल रोड पर बनाया गया है। योजना में 915 रनिंग मीटर दीवार निर्माण, पानी के 5 टैंक का निर्माण, 4 जल संरक्षण संरचनाएं शामिल रही हैं। यहाँ 5000 औषधीय पौधे भी लगाए गए जो भविष्य में छात्रों के रिसर्च में भी काम आ सकते हैं। ये शहर का पहला ऐसा वन उद्यान है जहां आपको साइकिल, जॉगिंग ट्रैक, वन रक्षक चौकी, टिकट विंडो, 4 बायो टॉयलेट और 1 वॉच टावर और 1 किलोमीटर पैदल पथ, बगीचे और मनोरंजन पार्क भी मिलेगा। आज नगर वन उद्यान अजमेर के अंदर उसका लोकार्पण हुआ है। श्री माननीय हमारे जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं श्री सुखराम बिश्नोई द्वारा किया गया है, और बहुत ही ये जनता के लिए आज इसको ओपन किया गया है। लोगों में बहुत उत्साह है, काफ़ी दिन से हमारे पास आ रहे थे कि इसका लोकार्पण किया जाए, पर हम लोग वी वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कितना इसमें जमीन है? ये 75 हेक्टेयर का एरिया है, और इसमें हमने काफ़ी कुछ है, 2 लॉन है, एक बड़ा लॉन ये है और दूसरा चिल्ड्रन पार्क बना हुआ, वॉकिंग ट्रेल है, जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक है, और इसमें नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है, स्मृति वन बना रहे हैं हम, और अधिकतर इसमें औषधीय और नेचुरल पौधे लगाए गए हैं। जो नेचुरल पौधे थे उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया, उनको वहीं के वहीं इंस्टीट्यूट को प्रूनिंग वगैरह करके उनका संवर्धन किया गया। टाइम क्या समय रहेगा, कब से चालू रहेगा ये? आज से ही खुल गया है और कल सुबह 6 से 8 ओपन रहेगा। उसके बाद में हमने 1 महीने ट्रायल पे रखा है टाइमिंग, उसके बाद में हम फ्लेक्सिबल रखेंगे, टाइम देख लेंगे कि ज़्यादा लोग किस समय आते हैं या उनकी क्या डिमांड्स हैं, और उसके बाद में कुछ समय बाद 6 सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा ओपन रहेगा। टिकट इसमें हम 1 महीने बाद लगाएंगे, और चार्ज जो मिनिमम जो 10 रुपीज़ है वही रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहेगा। मैडम, शादी ब्याह में प्री वेडिंग नॉट एट ऑल वो अलाउड नहीं है? बिल्कुल नहीं, फोटोग्राफी पूरी पाबंदी हो रही है, नहीं ये सब अलाउड नहीं है। और अब बात कांग्रेस के नारे, अब होगा न्याय की। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक नारे का बड़ा शोर था, नारा था अब होगा न्याय। ये नारा कांग्रेस ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने और बीजेपी को मात देकर सत्ता में वापसी के लिए न्यूनतम आय योजना न्याय को मनरेगा के तर्ज पर लागू करने के लिए दिया था। योजना के तहत गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपये यानी कि 6,000 रुपये प्रतिमा दिए जाने का वादा है। चुनाव में ये नारा बड़ा चुनावी हथियार के तौर पर माना गया, लेकिन एक तरफ जानकारी मिली है कि सरकार इसको लागू करने पर काम भी कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता विवेक बंसल से न्याय योजना पर राजस्थान सरकार की प्लानिंग पर जब एमपीटीवी इंडिया ने सवाल किया तो उन्होंने योजना को राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी योजना तो माना, लेकिन योजना को लागू करने में वित्तीय दिक्कतों का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ दिया। उन्होंने राज्य की वित्तीय हालत और मोदी सरकार द्वारा पैसे ना देने का आरोप लगा, न्याय योजना को फिर से ठंडे बस्ते में डालने का इशारा कर दिया। सुनिए। राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी न्याय योजना पर सरकार की कोई तैयारी? देखिए, आज तो सरकार को जिस तरीके से इन लोगों से जो धन इन्हें जो देना चाहिए राजस्थान सरकार को वो नहीं मिल रहा है, और जब मिलेगा निश्चित तौर पर ये भी आगामी योजना है। राहुल गांधी हमारे नीति निर्धारक हैं, हमारे पार्टी के नेतृत्व हैं, और उनकी जो कल्पना है, उन्होंने जो एक सोच है उसको क्रियान्वयन किया जाएगा।